पहले मैं दो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ज़रूर। हम लोग ग्रॉसरी स्टोर में जा रहे हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए, तो अभी हम लोग वॉलमार्ट के फार्मेसी पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। एंड दिस इज फर्स्ट। और मैं एक बात बताना भूल गया, तो अमेरिका में ना दो वैक्सीन मिल रही है, मॉडर्ना और हेलो गाइस, वीडियो चालू करने के पहले मैं दो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ज़रूर। हम लोग जब बस में आ रहे थे, तो जब बस में आते हैं ना हम लोग, तो उसका पैसा लगता है $2.5, ठीक है। या तो तुम कैश दो या फिर तुम्हारे पास जो कार्ड रहता है इसका कार्ड पर रिचार्ज करना पड़ता है। तो मेरा एक कार्ड रिचार्ज नहीं था, तो एक के पैसे ख़त्म हो चुके थे, वो मुझे पता ही नहीं चला। तो एक कार्ड नहीं चल रहा था, एक कार्ड चल रहा था। तो ऐसा है कि तुम एक कार्ड एक जन के लिए ही यूज़ कर सकते हो, दो जन के लिए नहीं। बट जब मैं एंट्री किया बस में, उनको मैंने सीधा बताया कि मेरा एक कार्ड नहीं चल रहा, मेरे पास कैश भी नहीं थे कि मैं वहाँ कैश एंटर कर पाऊँ करके। बट बंदे ने इतना अच्छे थे यहाँ की सर्विस, और मतलब दे रियली यू नो हेल्पफुल, कि मेरे को एक कार्ड पर अलाउ किया उन्होंने हमको, और हमको अलाउ किया बस पर बैठना, और उसी वजह से हम लोग वॉलमार्ट आ सके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं मोहनीश देवगढ़े, आज प्रेरणा और अदीरा, देख सकते हैं आप, अदीरा भी आई है हमारे साथ में, और इशू गया है स्कूल में। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में, और जो भी नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करिए। आपने थंबनेल में पढ़े हो कि हम लोग ग्रॉसरी स्टोर में जा रहे हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए, तो ये करेक्ट है। यहाँ अमेरिका में वॉलमार्ट में भी वैक्सीन प्रोवाइड हो रही है। वॉलमार्ट के ऐप में जाके सिर्फ हमको अपॉइंटमेंट लेना है, और अपॉइंटमेंट लेके उस शेड्यूल टाइम पे हमको यहाँ आना है। तो हमारा 10:40 को शेड्यूल हुआ था, उसी टाइम पर हम लोग आए थे। अब सेकेंड प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि इंश्योरेंस कार्ड होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। अब सेकंड प्रॉब्लम ऐसा था कि ये मेरा दो कार्ड है, एक प्रेरणा का है, एक मेरा है, ठीक है। तो इसके साथ में और कार्ड लगता है, जिससे तुम फार्मेसी में अपना जो भी मतलब मेडिसिन वगैरह लेते हो उसका पैसा नहीं लगता है, तो उसका एक अलग से कार्ड होता है। तो वो कार्ड हमारे पास नहीं था। टू ब्रिंग दिस इंश्योरेंस कार्ड, दैट्स इट। या द इंश्योरेंस फॉर प्रिस्क्रिप्शन, डू यू हैव द केयरमार्क कार्ड? केयरमार्क कार्ड, या योर प्रिस्क्रिप्शन कवरेज कार्ड? Prescription coverage card. I have this card. This is a benefit wallet. This no. is. It should be like a white card that has like red letters on it. No, I got only from my insurance. I got this card only. I can't hear you. From my insurance company, I got this card only. Give me a second. Yeah. Please take it. We might have to look it up, because you definitely have CVS Caremark. If you're a BNY Mellon associate, you have a separate card for prescriptions. Prescription. So, give me a second. Yeah, please check it out. Yeah. All right, guys. तो अभी हम लोग वॉलमार्ट के फार्मेसी पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम ऐसा कि यहाँ इंश्योरेंस का कार्ड रहता है, जो भी हम लोग इंश्योरेंस निकालते हैं ना, तो एक तो एक कार्ड रहता है जिसमें तुम हॉस्पिटल जा सकते हो, दूसरा फार्मेसी का एक कार्ड रहता है। अब मेरा ऐसा था कि मेरे कंपनी से मुझे सिर्फ एक ही कार्ड मिला था, तो मुझे लगा कि वो चलेगा सब जगह। बट ये अभी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वो कंपनी में कॉल करके देखते हैं, सॉर्ट आउट हो गया तो हमको आज ही वैक्सीनेशन मिल जाएगा। बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो केम एट 10:20 एंड ही नो एंड आई हैड हिज अदर कार्ड। ओह, ही हैज अदर कार्ड? यस। ओह, आई डिडंट नो ही वाज योर फ्रेंड, बट आई नो दे हैव अनदर कार्ड। ओके, बिकॉज़ आई गिव मी अ सेकंड। तो इन्होंने इतने मतलब हमको हेल्प किए कि वो खुद ही इन कंपनी को कॉल किए, जो रिस्पेक्टिव हमारा इंश्योरेंस कंपनी, उनको कॉल किए
और उनसे पता किया है कि इनका फार्मेसी वाला कार्ड कैसा है, कहाँ पे है, मतलब है क्या नहीं है करके। तो उनको वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ वहाँ पे इनसे, बट उन्होंने हमको वापस भेजा नहीं। उन्होंने बोला कि यू गो एंड टेक योर वैक्सीन। तो हम लोग वैक्सीन लेने के लिए आए हैं यहाँ पे, और वो चाहते तो हमको वापस भेज सकते थे। तो उन्होंने बोला कि आप वैक्सीन ले लो और घर जाके तुम अपना सॉर्ट आउट करके हमको एक बार इन्फॉर्म कर देना बस। तो वो बहुत सही चीज़ लगी हमको। अदरवाइज़ क्या होता था ना, हम तीनों को वापस जाना पड़ता था, फिर से नया दिन शेड्यूल करना पड़ता था, फिर से वही। तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। तो ये थे दो चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि अच्छाई अगर बताना हो तो सबके सामने बताओ, और किसी की बुराई अगर बताना हो तो इस तरीके से बताओ कि वो इम्प्रूव हो सके। तो ऐसा था। तो चलो वैक्सीन लेते हैं। This is a band-aid. Okay. You can take it off when you feel like you don't need it anymore. Okay. All right. I need to make tight or normal? Normal. Okay. And done. Oh, thank you. You okay? Yeah. All right, good. And done. So you will have a sore arm later. It's going to feel like someone punched you in the arm. All right, that's yours to keep. Okay. Thank you. Have a good day. So, what is your first name? My first name is Mohanish Devgade. And you're here for your COVID vaccine, is that correct? COVID vaccine, yes. Is this your first dose? First dose. Okay. So I'm going to wipe your arm off with this alcohol swab. If you hold it to your sleeve, that'd be great. A little bit higher. Good. This is a band-aid. You don't. Okay. You can take it off if you feel like you don't need it later. So this is a historical moment. Historical moment. All right. This is the vaccine. This is the vaccine. And this is first shot I'm going to take. Right now. And done. Done. It's so simple. How was it? Yeah, it's good. Looking good. Yeah, feeling good. Good. So you will have a sore arm later. It's going to feel like someone punched you in the arm. Mm-hmm. That's common. Okay. You may notice some redness or swelling at the injection site. Mm-hmm. That's common. Okay. Some people reported headache, fatigue, feeling run down. That's common. Anything worse than that, let us know. Sure. Any questions, concerns, give us a call. Okay. So if you do develop a fever or if your arm really bothers you, you can take some. Okay. So we can come here and report to you. That's it. Just whatever you have in your medicine kit. Sure. Okay. Yep. Okay. You're good. All right, I'm done. Then sit out here for 10 or 15 minutes just to keep an eye on you, and then you can leave. Sure. मतलब ये लोग बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो इनके हेल्पफुल नेचर के कारण ही हम लोग आज वैक्सीन ले पाए। तो ये मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इन सभी को। वैक्सीन लेने के बाद अभी तो कुछ फील नहीं हो रहा है, सब अच्छा ही लग रहा है, देखते एक दो दिन के बाद। और इन्होंने हमारा नेक्स्ट शेड्यूल भी दिया है, तो ये प्रेरणा का कार्ड है, ये मेरा कार्ड है। तो नेक्स्ट हमारा 15th मई को शेड्यूल हुआ है, तो 15th मई को हमारा सेकंड डोज है। तो हम लोग सेकंड डोज के लिए भी यहीं पे आएंगे। जैसा कि आपने देखे कि यहाँ का सर्विस इतना अच्छा है, आप देख सकते हो मेरे पीछे आपको कपड़े वगैरह दिख रहे रह गए। तो हम वॉलमार्ट में ही बैठे हैं और वहीं पर शूट कर रहे हैं। तो गाइज, आज का ब्लॉग इतना ही था। अगर आपको होना है कि वॉलमार्ट का डिटेल वीडियो, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे इतना बड़ा स्टोर है ये वॉलमार्ट का कि इसको अभी शूट करूँगा तो शायद दिन लग जाएगा। तो एक दिन आऊँगा और अच्छे से शूट करूँगा इसको। कमेंट करके बताइए कि इसका डिटेल वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। तो गाइस, ये ब्लॉग यहीं तक था। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक कि अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। इंडिया में बहुत कोविड का चल रहा है, तो अपना ख्याल रखिए और जितना हो सकता है घर पर ही रहिए और मास्क हमेशा यूज़ करिए। मुझे शूट करना था इसलिए मैंने मास्क निकाल के रखा था। अब मैं यहाँ से निकलूँगा तो मास्क लगा लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हो ये प्रेरणा है यहाँ पे। ये अदिरा के पीछे घूम रही है एक्चुअली, और अदिरा यहाँ पे इसको परेशान कर रही है, छुपी हुई अदिरा। ए
ये ऐसे घूमती रहती है और हमको परेशान करती रहती है, इसलिए एक आदमी इसके पीछे लगा रहता है। वो देखो कहाँ बाल्टी पकड़ लिया इसने अभी। तो गाइस आप देख रहे होगे पीछे में पूरा ये, और इन्होंने अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया करके रखा है। यह है वैक्सीनेशन सेंटर, यहाँ फिटिंग रूम है, फिटिंग रूम को बना लिया इन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर। और ये देखो चेयर भी रखे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, और यहाँ पे शॉट्स लेने के लिए कोई लोग बैठे हैं। यहाँ पे एंट्री में देखते हैं, अच्छी ये अधीरा है, इसको एक जन होना है पकड़ने के लिए। ऑल राइट, सो चले प्रेरणा, सो यू वॉन्ट टू से एनीथिंग? हमने वैक्सीनेशन ले ली है और एट प्रेजेंट तो सब चीज़ अच्छा है, और आई होप सो कि कुछ भी रिएक्शन ना हो, कुछ नहीं हो, सब अच्छे से हो। सो गाइस मैं एक बात बताना भूल गया, तो अमेरिका में ना दो वैक्सीन मिल रही है, मॉडर्ना और फाइजर, तो उनमें से हम लोगों ने फाइजर वाला वैक्सीन लिया है। Jimmy.